हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्टडी पॉइंट दिस इज पुणिम त्यागी हियर एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ थर्ड चैप्टर ऑफ रिजोल्यूशन दैट इज ग्रोइंग अप पेन स्टूडेंट्स ये हमने अपने लास्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था कि नेक्स्ट इवनिंग बिफोर अप्पा हैज़ रिटर्न फ्रॉम ऑफिस के अप्पा के नेक्स्ट इवनिंग ऑफिस से वापस आने से पहले आई वॉक अप टू अम्मा शी वेलकम्स मी विद अ बिग स्माइल बट द स्माइल टर्न्स इन टू अफ्रॉन वेन आई आज खर वेद आई कुड गो फॉर अ पार्टी एट विशाल हाउस अम्मा नाइन तो यहां तक हम ऑलरेडी कम्पलीट कर चुके थे बच्चों है ना जब वो मदर से परमिशन लेने के लिए आता है विशाल के घर पार्टी में जाने के लिए एंड नेक्स्ट पार्ट वी विल कंटिन्यू अम्मा आई एम ग्रॉन अप नाउ तब मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा मैं अब बड़ा हो चुका हूं कैन आई नॉट स्टे आउट टिल ऑल माई फ्रेंड्स लीव आयास तो मैं उनसे पूछता हूँ कि अम्मा क्या मैं वहाँ तब तक नहीं रह सकता पार्टी में जब तक कि मेरे सारे फ्रेंड्स वहाँ तक रहते हैं वहाँ पर रहते हैं यू थिंक यू आर ओल्ड अनफ टू बी ऑन योर ऑन समीर तुम अपने आप को समझते हो कि तुम अभी इतने बड़े हो गए हो समीर कि तुम अपने अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन ले सकते हो रिमेंबर यू आर स्टिल अ चाइल्ड इवन दो यू थिंक अदरवाइज तुम्हें लगता है कि तुम अपने आप में इतने मैच्योर हो चुके हो लेकिन तुम्हें याद रखना चाहिए तुम अभी भी बच्चे ही हो यू आर एट एन इन बिटवीन एज तुम एक बीच की एज में हो एक टीनेजर हो दैट इज माई है इससे मेरी नाराजगी बढ़ जाती है आई स्टेप माई फीट मैं अपने पैर पटकता हूँ शाउट एट हार उनके ऊपर चिल्लाया मैं आई एम ओल्ड एनफ अम्मा मैंने कहा कि मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूं अम्मा ओल्ड एनफ टू बी ऑन माई ऑन मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ कि अपने अकॉर्डिंग अपने डिसीज़न ले सकूँ आई विल नॉट अलाउ माई सेल्फ टू बी ट्रीटेड लाइक अ किड और मैं नहीं चाहूँगा कि कोई भी मुझे बच्चों की तरह से बिहेव करे मेरे साथ में आई एम नॉट अ चाइल्ड शी गिव्स मी अ स्टन लुक एंड एजर्ट्स फॉमली अब ये कहते ही वो मेरी तरफ बहुत ही गुस्से की नज़र से देखती हैं एंड माई डिसीज़न इज़ फाइनल और कहती है कि मेरा जो डिसीज़न है वो बिल्कुल फाइनल है नो पार्टी फॉर यू नॉट टूडे नॉट एवर आई डोंट वॉन्ट जो जंगली घोड़े के बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है तो मदर कहती है कि मैं तुम्हें अपने आप को स्पॉइल करने नहीं दूंगी और इस तरह से मैं तुम्हें खुले जंगली घोड़े के बच्चों के जैसे भटकने के लिए छोड़ना नहीं चाहती हूँ हर वे और ये कहकर वो अपना काम करने लग जाती है आई मिस पार्टी मैं पार्टी मिस कर देता हूँ बट इट ड पर ऐसा करने से मैं उन्हें प्यार नहीं करने लग जाता आई सल्क मैं उनसे नाराज़ होता हूँ आई डो नॉट टॉक टू हर फॉर अ होल डे पूरा दिन मैं उनसे बात नहीं करता शी कॉक्स मी वो मुझे मनाती रही प्लेक्ट्स मी मुझे शांत करती रही टिल आई कम टू हर मॉलिकॉर्डिंग जब तक कि मैं उनके लाड़ दुलार के सामने झुक नहीं जाता स्कम मीन्स झुक जाना देन आई हग हर एंड क्राई और तब मैं उसके बाद जब मान जाता हूँ उनसे तो उनको गले लगाता हूँ और रोने लग जाता हूँ पैट कम्स हर रिमार्क्स अब उनके प्यार भरे रिमार्क्स के साथ साथ प्यार भरे दुलार के साथ साथ वापस से रिमार्क आता है एट फोर्टीन ए बॉय मस्ट नो हाउ टू कंट्रोल हिज इमोशंस वो वापस से कह देती हैं कि अब तुम चौदह साल के हो गए हो तो एक लड़के को इस एज में अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना आना चाहिए तो रो मत दैट इज द ट्रबल यही तो प्रॉब्लम है एम आई ए चाइल्ड मैं बच्चा हूँ और हैव आई ए ग्रोन अप यह मैं बड़ा हो गया हूँ बच्चों ये स्टोरी बिल्कुल आप ही की एज के बच्चों के लिए है आप लोग भी तो जनरली इसी तरह से बिहेव करते हैं ना कई बार पेरेंट्स के साथ कई बार लगता होगा कि पापा मम्मी अननेसेसरी डांट रहे हैं और जाने की परमिशन नहीं देते हैं है ना हमारी सारी फ्रीडम को ऑब्सट्रेक करके रखा हुआ है हम कहीं जा नहीं सकते आ नहीं जा आ नहीं सकते अपने अकॉर्डिंगली है ना तो ये जो प्रॉब्लम है ये टी की बड़ी ही नेचुरल प्रॉब्लम है जो यहाँ पर आपके इस चैप्टर में एक्सप्लेन करी गई है तो वो कह रहा है कि दैट इज़ द ट्रबल एम आई ए चाइल्ड मैं बच्चा हूँ या फिर मैं बड़ा हो गया हूँ मैं यही नहीं समझ पा रहा हूँ कभी तो मैं बच्चा बन जाता हूँ किसी बात के लिए मैं बड़ा हो जाता हूँ कभी कह दिया जाता है तुम अब बच्चे हो गए हो बच्चे हो कभी कह दिया जाता है कि बड़े हो गए हो वेन विल माई पेरेंट्स सी क्लियरली वॉट आई एम मेरे पेरेंट्स ये क्लियरली कब देखेंगे कि मैं क्या हूँ बड़ा हूँ या बच्चा हूँ इधर आया मै चाइल्ड और आया मैं क्रोनअप मैं बड़ा हूँ या छोटा हूँ क्या हूँ बच्चा हूँ आई कैन नॉट बी बॉथ एट द सेम टाइम एक ही टाइम में आखिर में दोनों तो हो नहीं सकता मे बी आई एम ए मिक्स ऑफ बॉथ आई डोंट नो शायद मुझे नहीं पता लेकिन हो सकता है शायद मैं बच्चे बचपन और जो बड़प्पन है उसका मिक्सचर हूँ दैट इज़ वॉट मेक्स माई फीयर सो इज कैरी यही कारण है कि जो मेरे इस डर को और बढ़ा देता है आई नो माई फीयर विल टाई इफ माई पेरेंट्स स्टॉप ट्रीटिंग मी लाइक अ चाइल्ड मैं जानता हूँ मेरा डर उस दिन खत्म हो जाएगा जब मेरे पेरेंट्स मुझे बच्चे की तरह से ट्रीट करना बंद कर देंगे बट नो no, पर वो तो ऐसा करेंगे नहीं दे विल नॉट डू दैट दे हैव देयर फियर्स उनके भी अपने कुछ डर हैं दैट्स वाई अम्मा सेज़ एवरी टाइम आई ट्राई टू असर्ट माई सेल्फ एट योर एज यू नीड टू बी कैप्ट ऑन द लेस और यही वजह है कि अम्मा जो है वो हर बार मुझे कहती है कि तुम्हें अभी अपने आप पे कंट्रोल करना सीखना चाहिए और तुम्हारी एज में तुम्हें यू नीड टू बी कैप्ट ऑन द लीज़ तुम्हें आवश्यकता है स्वतंत्र होने की इट इज़ फॉर योर गुड समीर ये तुम्हारे लिए ये जो uh, तुम्हारी जो फ्रीडम को ऑब्सट्रक्ट किया हुआ है वो तुम्हारी ही अच्छाई के लिए है वी शेल टेक द लीज ऑफ वंस यू आर कैपेबल ऑफ नोइंग व्हाट इज़ राइट एंड वाट इज डॉन्ग हम तुम्हें फ्री कर देंगे हम जब हम जान लेंगे कि तुम कैपेबल हो चुके हो इस बात के लिए कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है तो जब हम ये इस बात को सोच लेंगे कि भाई तुम अब इस कंडीशन में हो कि तुम अपने लिए क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीजन ले सकते हो तो हम तुम्हें फ्रीडम देंगे फ्रीडम नेवर कम्स इन अ डे क्योंकि फ्रीडम जो है वो कभी भी एक दिन में नहीं आती है फ्रीडम विल बी योर्स वंस वी फील यू आर मैच्योर एनफ टू हैंडल सिचुएशंस तुम्हें भी फ्रीडम मिलेगी लेकिन तब जब हम ये महसूस करेंगे कि तुम इतने मैच्योर हो चुके हो कि हर सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली प्रॉपरली हैंडल कर सकते हो वैन विल दैट बी आई आस्क तो मैंने पूछा ऐसा कब होगा अपा वॉक इन, अपा अंदर आए अम्मा वार्म्स अप टू हिज प्रेजेंस विद अ जेंटल नॉट देन टेल्स मी समीर एवरी थिंग टेक्स टाइम अपा अंदर आए और उन्होंने मेरी मदर ने उनको उनकी प्रेजेंस को शो करने के लिए सिर हिलाया और वो मुझे कहते हैं कि समीर हर एक चीज़ को टाइम लगता है अ फ्लावर टेक्स टाइम टू टर्न इंटू अ फ्रूट एक फ्लावर को भी फ्रूट बनने में टाइम लगता है इट टेक्स अ ईयर फॉर यू टू गो फ्रॉम वन क्लास टू द नेक्स्ट शी ग्रेन्स क्योंकि एक क्लास से दूसरी क्लास तक पहुंचने में तुम्हें भी तो टाइम लगता है एक साल का टाइम लगता है और ये सुनकर अम्मा हँसती है अप्पा केयरस माई आम एंड सेज अपा मेरे बुझाओं पर प्यार करते हैं और कहते हैं आई नो यू हैव योर फीयर्स मुझे पता है तुम्हारे भी अपने डर हैं वी हैव अवर्स पर हमारे अपने डर हैं वी मस्ट फाइट अवर फियर्स टूगेदर हमें हम दोनों के डरों से अपने आप लड़ना चाहिए हम लोगों को लड़ना चाहिए अपने डर के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड अवर कंसेंस तुम्हें हमारी चिंताओं को समझना चाहिए देयर आर सो मेनी टेम्पटेशन टू वीच अज ड्रॉन क्योंकि बहुत सारे ऐसे आकर्षण हैं बेटा जिसमें कि एक यूथ फंस कर रह जाता है आई डू नॉट वॉन्ट टू लिस्ट डैम मैं तुम्हें वो सारी चीज़ें नहीं लिस्ट कर सकता यू नो दैम नाउ कम टू अस टॉक टू अस ओपनली तुम अपने आप जान जाओगे अब उनको और आओ हम लोग आपस में ओपनली बात करें अस लर्न टू बी फ्रेंड्स आज हम एक दूसरे के दोस्त बनना सीखें टेक एवरी एडवाइस वी ऑफर एज कमिंग फ्रॉम टू फ्रेंड्स तुम हमारी एडवाइस को इस तरह से लो जिस तरह से कि तुम अपने एक सच्चे मित्र की एडवाइस को लेते हो वी इन टर्न प्रॉमिस टू डू ऑल दैट वी कैन टू अप्रिशिएट योर व्यू पॉइंट और हम भी बदले में तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि डेफिनेटली हम तुम्हारे व्यू पॉइंट को समझते हुए तुम्हें अप्रिशिएट कर सकते हैं विल यू लेट मी बी योर ट्रू फ्रेंड क्या तुम मुझे अपना सच्चा दोस्त बनने दोगे बेटा मी टू अम्मा लिफ्ट माई चिन एंड स्माइल्स इन टू माई अम्मा ने मेरा थोड़ी को ऊपर उठाया और कहा कि मैं भी तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ और यह देखकर वो कहते हुए मेरी आंखों में देखकर हसीन आई प्रेस हर पाम एंड ग्रीन हैप्पीली मैंने उनके हथेली को हाथ से दबाया और हंसा मुस्कुराया वी आर थ्री फ्रेंड्स और अब हम तीनों फ्रेंड्स हैं बाउंड बाय लव प्यार से बंधे हुए हैं वी विल नेवर डू एनीथिंग दैट हर्ट्स द अदर्स हम ऐसा कोई कुछ भी नहीं करेंगे हम में से कोई भी जो एक दूसरे को हमें हर्ट करे दैट इज़ इट यही है वी आर हैप्पी ना हो इसी वजह से अब हम खुश हैं वी हैव बीन सेट फ्री फ्राम फीयर्स और अपने अपने डरों से अब हम मुक्त हो चुके हैं अप्पा जेंटली रफर्स माई कर्ली हेयर और अप्पा अभी भी मेरे जो करली हेयर्स हैं उनको इसी तरह से हाथ घुमाते हैं जिस तरह से कि वो पहले घुमाया करते थे <coughs> तो स्टूडेंट्स इसी के साथ आपकी स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है ये स्टोरी आपको बच्चों एक सीख भी देखा जाती है कि आपकी लाइफ में जो आप अब टीनेजर हैं और टीनेज में एंट्री कर चुके हैं तो बहुत तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में आएंगी लेकिन हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है कि आप अपने पेरेंट्स से उस चीज़ के रिगार्डिंग ओपनली और खुलकर बात करें जिससे कि आप आपका भ्रष्ट ना हो जिससे कि आपके रास्ते में कोई प्रॉब्लम नहीं आए तो स्टूडेंट्स इसी के साथ मैं आपकी ये स्टोरी को यहीं पर कंप्लीट करते हुए ख़त्म करती हूँ